नागराजन खुश हो जाओ तुम नो देवा, तरस दे दो हमको हम बैठे। नागराजन खुश हो जाओ तुम नो देवा, तरस दे दो हमको हम बैठे। रक्षा करो भी बुलाए, धन्य हो जीवन शपथ भी रह जाए। रक्षा करो उनकी तुम्हें जो भी बुलाए, धन्य हो जीवन शपथ भी रह जाए। रक्षा तुम करते हो, कर जो भरोसा उसका भी साथ देते हो। शरण में आए जो तेरी रक्षा तुम करते हो, कर जो भरोसा उसका भी साथ देते हो। लाखों नाम तेरे हैं, तुम ही हो प्रतिपालक, पहलहाही राज दो मुखी अजगर हो। लाखों नाम तेरे हैं, तुम ही हो प्रतिपालक, पहलहाही राज दो मुखी अजगर हो। रहते शिव जी के गले में आभूषण बन के, साथ ही दोनों हमको दर्शन देते। रहते शिव जी के गले में आभूषण बन के, साथ ही दोनों हमको दर्शन देते। स्वप्न में देखे जो उन्हें फल मिलता है, स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुलता है। स्वप्न में देखे जो उन्हें फल मिलता है, स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुलता है। स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुलता है। स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुलता है। जन्म भी देता जान भी लेता दोनों काम ये देवा करता है। जन्म भी देता जान भी लेता दोनों काम ये देवा करता है। लाओ चढ़ावा दूध और फल का स्वीकार करता शरण में ले लेता है। लाओ चढ़ावा दूध और फल का स्वीकार करता शरण में ले लेता है। धरती अंबर हो चाहे हो समंदर, पानी बन के बरसे ये सबके ऊपर। धरती अंबर हो चाहे हो समंदर, पानी बन के बरसे ये सबके ऊपर।
आना सो में बस जाए बन के लहू ये नाम है नागराज और है ये विषधर। आना सो में बस जाए बन के लहू ये नाम है नागराज और है ये विषधर। 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 कन्हा चलो उठो पढ़ाई करो बेटा और चटाई मोड़ के रख देना ठीक है। स्नेहा उठो, ऐसे ही सोती रहोगी तो माँ से मार खाओगी। क्या हुआ, तुम्हारा पति अभी तक नहीं उठा? कल दारू की दुकान में बहुत हंगामा किया था, मार धार खत्म करके सुबह ही लौटा होगा। ऐसा लगता है कि वो इन बच्चों के बारे में सोचता ही नहीं है। क्या हुआ माँ, सब तुम्हारे पापा की तारीफ कर रहे हैं। ज्यादा सवाल मत करो, जाके पढ़ाई करो तुम। कन्हा, वो चटाई मोड़ने मैं आऊं क्या? काम चोर कहीं की। चटाई पे पैर मत रखो, हटो। यारे चुप नहीं रह सकते, चैन से सोने भी नहीं देते। खाल उधेड़ लूंगा तुम्हारी, चुड़ैल कहीं की। मत रो बापू, रोना बंद करो वरना सच में मैं मारूंगी। ये चाय है कि कड़वी दवाई है? शक्कर नहीं है तो कड़वी ही लगेगी ना, मैं क्या करूं? पैसे के तो तुम दारू उड़ाते हो, घर में क्या है कभी पूछा है? तो अपने घर से लाना चाहिए था ना, रानी की तरह जीना है तो। अभी तो डांट पड़ी है ना, और तुम क्या तमाशा देख रही हो, नहा के निकलने की तैयारी करो। मारी एक कड़क चाय देना।
खाने के लिए कुछ चाहिए क्या दास? मुफ्त में दोगे तो मैं जरूर खाऊंगा, वरना मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं है भाई। अपने मालिक की पूंछ पकड़कर घूमते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे तुमको तो बहुत कुछ आता है पर मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ ना। तो जिसके पास पैसे उसे खाने दो ना। हाँ, इसके लिए तो किस्मत अच्छी होनी चाहिए, आखिर मालिक के सामने भीख मांगने की नौबत तो नहीं आएगी। क्यों, तुम्हारे मालिक ने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है? तुम देखना, एक दिन वो सेठ जी की कुर्सी पर बैठेगा, तभी सेठ जी को समझ में आएगा, तुम लोग को भी मालूम पड़ जाएगा। तुम ठीक से खड़ी रहोगी क्या? माँ, एग्जाम का फीस सबने भर दिया है, मैंने अब तक नहीं दिया। ठीक है, दे देंगे। पापा से पूछो तो कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो। तोड़ दिया ना, खेलने के लिए कुछ और नहीं मिला था? जब देखो कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है, कुछ भी मिला था तोड़ देती है। उठाते समय उंगली में चोट लग जाएगी, छोड़ो उसे। माँ, आज फीस नहीं भरी तो परीक्षा में लिखने को नहीं मिलेगा। माँ, मुझे परीक्षा लिखनी है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं, हम दूसरी ले लेंगे। अरे क्या लेकर आए हो तुम, गहने वहने हैं क्या? हाँ गहने हैं। निकालो। इतना ही है क्या? इसके 80 रुपए ही मिलेंगे? कम से कम इसके 100 रुपए दे दो मालिक। ये भी ज्यादा ही है, इसे अभी तो ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ, भरोसा करता हूँ तुम पे भाई। पता है मालिक। हाँ रुको, दिए हुए टाइम पर पैसे लौटा देना और हर महीने सही समय पे ब्याज पहुँचा देना। पक्का दे दूंगा मालिक। पैसे लेते समय सब लोग यही बोलते हैं, और हाँ टाइम पे ब्याज देते रहना, समझे? जी मालिक। जाओ अभी। ओ, आ गई, तुम्हारी ही राह देख रही थी। थोड़ा अचार बना रही हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। तुम्हारी लड़की स्कूल गई क्या? उसे जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, उसी की वजह से तुम्हारा भला हो सकता है। कन्हा की एग्जाम फीस भरने की आज आखिरी तारीख है, उसके पापा से पूछना भूल गई। बहुत अच्छी बात है, जैसे तुम पूछोगे और वो दे देगा। दारू पीने से उसे पैसे बचेंगे तब तो। आपसे हो सके तो मदद करेंगी। मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे? दंड पानी सर से पूछेंगे क्या? 10 पैसे भी वो मुफ्त में किसी को नहीं देते हैं। ऊपर से तुमने पहले से ही बहुत पैसे ले रखे हैं जो अब तक नहीं लौटाए हैं। ठीक है, यहाँ रुको, बच्चे की पढ़ाई की बात है। ठीक है, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। कभी कभी मैं उनसे पूछती रहती हूँ, ये सब पैसे किसके लिए कमाते हो? ये सब के लिए तो हमारे पास कोई बच्चा भी नहीं है। बच्चों के मामले में तो ध्यान देने के लिए कह सकती हो ना कार्तिक से, जाके थोड़ा हिम्मत से बात करो उससे। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। हाँ, अच्छा तो वो लड़की पैसे लेने आई थी क्या? हाँ, बेटी की स्कूल की फीस भरनी थी। हाँ, इसी तरह मेरी मेहनत की कमाई को दान में लुटाती रहो तुम। कैसी बात कर रहे हो जी, पता नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कार्तिक के साथ ये शादी करके कैसे चली आई। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है, तुम्हारे माँ बाप ने मेरे से शादी करके पुण्य किया है। पुण्य ही है, फिर से कुछ कह दूंगी तो।
ये मिस्त्री खुद को मालिक समझता है। ए, उस पे डोरे डालना छोड़ और काम कर। अरे नहीं नहीं, शादी हुई है, उन्हें बात करने दो। पति पत्नी होंगे घर के लिए, यहाँ सिर्फ काम होना चाहिए, समझा? जल्दी करो। ए, ले उधर रख दे। बहुत एक मिस्त्री अपने ऊपर बहुत धौंस जमा रहा है। हम लोग ठीक से काम नहीं करते हैं ना, इसीलिए हमारे ऊपर गुस्सा होता है। तू जाके अपना काम कर, फालतू दिमाग खराब करता रहता है। ए बुड्ढी, ये सब जलाने का इरादा है क्या? बस यूं ही मजे ले रही थी। आ जाकर काम कर। अरे जाती हूँ, काम चोर बनकर मैं छुपकर नहीं बैठने वाली हूँ। मेरे बारे में आप नहीं जानते हैं, चैन से बीड़ी भी नहीं पीने देते। कुछ निकल जाए मुझसे तो। क्या हुआ दीदी, इतने गुस्से में हो? हाँ, ऐसे ही चुप बैठे रहते हैं। काम करना हो तो हम चाहिए, ये सिर्फ पेट में तनख्वाह ले जाएंगे। ये आई बड़ी काम करने वाली, मैं भी काम करके ही पगार लेकर जाती हूँ। हाँ, तुम्हें तो देख करके ही पता चलता है। ऐसा नहीं है दीदी, कल की चढ़ाई हुई अभी तक उतरी नहीं होगी। हाँ। अभी कुछ कह दूंगी, रोज रोज क्या तुम्हारा पति मुझे पिलाने आता है? देखो अनाप शनाप कहा तो छोटे बड़े का लिहाज भूल जाऊंगी। क्यों कर रही हो, जाकर लाफ हमारो से। ए, ए रुक, इधर आ, इधर आ, तेरा हाँ, सर दूंगी मैं, इधर आ। हाँ, हाँ, हाँ। ए, क्या समस्या है? ये समस्या खड़ा कर रही है। मुझे देखते ही लोगों की जुबान में खुजली हो जाती है। ए, मार डालूंगा तुझे। चुपचाप काम कर अपना, अगर किसी ने आवाज की तो जान से मार डालूंगा। ऐसे ही बात किया करो मिस्त्री, इसी तरह दूसरों की बुराई करके बिना काम के मजदूरी लेकर जाते हैं। बस कर बस कर, मैंने जो कहा सबके लिए नहीं तेरे लिए भी है। क्यों जी, आने में देर हो गई, जाकर काम करूं? वैसे भी तुम्हारा रोज का हो गया है, ऐसे ही मुस्कुराते हुए जाना। ये क्या मिस्त्री, इसके लिए नए नए नियम बनाते हो? माँ की तरह ही बेटी भी होगी ना, पुरुषों को बहकाने भी सिखाना पड़ता है क्या? तुम्हें और खाना चाहिए क्या? मैं बाद में खा लूंगी। बेटी जल्दी स्कूल चलो, पहले ही देर हो गई है। चंदा माँ, टीचर आ गई है। टीचर, हाँ। इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है टीचर? ये हर विषय में अव्वल है, इसे देखकर दूसरे बच्चों को कहती हूँ कि पढ़ा करो, ऐसा ही है ना? चलती हूँ माँ। ये सब गाड़ी में लोड करना है, जल्दी करो। ठीक है, ए, उठा जल्दी। मिस्त्री, ऑफिस में चाय रख दूं क्या? जब आएंगे तो दे देना। ठीक है। तारीफ करता हूँ, ऐसी बातें सभी लोग करते हैं। कहने वालों को कहने दो, मुझे किसी का डर नहीं है, तुम्हें है? ओहो, जैसे कि मैं बहुत डर गया। जाओ अपने काम पे ध्यान दो। मुझे
मुझे जो पसंद है इसी तरह हक जताकर बात करती हूँ। इसमें किसी को परेशानी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो सुनो, अब मुझे थोड़े पैसे दोगे क्या? पैसे? 10 रुपए दिए तो काफी है, मजदूरी देते वक्त हिसाब कर लेना। आप बिल्कुल मत देना, ये बुढ़ी दारू के लिए मांग रही है, सुबह होते ही यही काम बचा है इस बुढ़ी को। मैं अपने भाई से मांग रही, तुझे क्या करना है, तू दे देना। हाँ, नोट छापने का काम है ना मेरा, जा जाकर कोई और काम कर ले। बेटा वो थोड़ी सी भी नहीं ली ना तो पूरे बदन में दर्द होने लगता है इसलिए। ये कर्ज नहीं है, पगार से काट लूंगा मैं। मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, उस तरफ आओगे ना तो मेरे घर आना, समझे? तुमसे बैठकर कुछ बातें करनी है। इस बुढ़ी को कुछ नहीं सूझता, शाम होते ही दारू पीकर ये हंगामा करती है। मैं अकेली हूँ, इसका उसे जरा भी चिंता नहीं है। एक मर्द के बिना अकेले जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। अरे दास, हा? वो जानकी है ना? हाँ मालिक, वही है। थोड़ी मोटी हो गई है। जब से इसकी शादी हुई है ये गांव में बहुत कम दिखाई देती है। आपने तो पहले ही उसे देख लिया है ना? और देखती है तो पहचानती भी नहीं है। शादी के बाद सब लड़कियां ऐसी ही हो जाती हैं, अनजान बन जाती है। मालिक क्या है? वो देख। अरे ये दोनों कहां से आ रहे हैं? अरे तुम दोनों कहां से आ रही हो? दुकान से। और कैसी हो? ओ, गलती से पूछ लिया। तुम लोगों के बारे में कार्तिक को जरा भी चिंता नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है। वो तो एक पक्का शराबी है। क्या बताऊं, वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। मैं तो उसे समझा समझा कर हार गया हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ सुधार आएगी। बेटी इधर आओ। ये अब भी बोल नहीं पाती है क्या? शायद गूंगी होगी इसलिए बोल नहीं पाती है। घबराओ मत, इसे एक अच्छे डॉक्टर से हम दिखाएंगे, समझ गई? घर पे बैठ के क्या करोगी? फैक्ट्री आओ, तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा मैं। वो तुम्हारे पति पर भरोसा न करते हुए तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे ऐसा सोचा? चलती हूँ, बहुत काम है। अरे मुझे भी ढेर सारा काम है, पर रास्ते में तुमसे मिलकर कुछ बात ना करूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैंने ऐसा सोचा। मेरे और कार्तिक के बीच में अच्छे संबंध है। ठीक है निकलो, हम बाद में बात कर लेंगे। तो, देखने में तो फटीचर है लेकिन रुआब तो देखो। क्यों हंस रहा है तू? आप वहाँ नहीं दिखा सके इसलिए यहाँ दिखा रहे हो? कुछ नहीं मालिक। ये लोड कौन सा गांव जा रहा है कार्तिक? कोयम्बतूर मालिक। तार पाई लगाकर बांध कर भेजना, बरसात हो गई तो। ठीक है। अगर शाम को कोई काम नहीं हो तो घर पे आ जाना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारा इंतजार देखता हूँ। हे परमेश्वर, सबकी रक्षा करना, मेरी भी। अरे पिछली बार जो कोचिन में माल भेजा था, माल की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ थी क्या? मैंने तो अच्छी क्वालिटी वाला ही माल भेजा था। तुम सही कह रहे हो ना? हाँ, लोड मैंने ही करवाया था। मतलब पैसे ना देने के बहाने हैं ये, गिरेबान पकड़ कर पैसे मांगने चाहिए। मालिक एक बार अच्छे से सोच लो। Hey!
कार्तिक ने कह दिया तो ठीक ही होगा, फिर क्या सोचना। आमदनी खर्चा सब ठीक ही है, क्यों है ना? हाँ मालिक। मालिक आपने कहा था ना कि पैसे के मामले में अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सब सही है, पर मुझे इस पर भरोसा है। और हाँ कार्तिक, हमने जो माल तिरुपुर भेजा था उसका हिसाब आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है मुझे। इसके लिए तुम ही सही हो। ठीक है। हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, 2 दिन लग जाए, लेकिन काम को पूरा करके ही यहाँ वापस आना। ठीक है, मैं सब संभाल। जाओ। मालिक आप उस पे इतना भरोसा करते हो? किसने भरोसा किया? लेकिन उसको अपने साथ रखने के लिए अच्छी बातें तो करनी ही पड़ेगी ना। इधर आ। मुझे समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। आधी रात को किसके लिए सज धज रही है? क्यों रे, मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही है? क्या हुआ बुढ़ी? आखिर समस्या क्या है तेरी? इस तरह से रात में दारू पीकर लड़ी तो फिर तुम देख लेना। तो तू क्या कर लेगी मेरा बता? जा जाकर कहीं सो क्यों नहीं जाती? देख, मेरे बोलने से तुझे गुस्सा आ जाता है। इस वक्त तू किसके लिए सज धज कर तैयार हो रही है मुझे पता है। बहुत ज्यादा होशियार है वो कार्तिकीय। अपने मालिक को फंसा फंसा कर बहुत ज्यादा जमा करके रखा है। तुमने चाहा तो उसमें से एक हिस्सा पक्का यहाँ आ सकता है। उसके लिए इतनी सज धज काफी नहीं है बेवकूफ, उसके लिए दिमाग की जरूरत है। दिमाग? ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती बुढ़ी? हाँ, जैसे इसे कुछ नहीं आता हो। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, वो मैं तुझे सिखाती हूँ, मुझसे सीख लेना। हे राम, तुझे मार डालूंगी बुढ़ी। अंदर जाकर सो जाना। ओह, मेरा ही नसीब खराब है। अरे बस 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 बस, पानी बस। नमस्ते सेठ जी। ओ नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। ए अरे लोग आए, कुर्सी लेकर आ। आता हूँ। कोई भी टाइम पे नहीं आता है। हाँ रखो रखो रखो, यहाँ बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? आपसे एक काम था, उसी काम के सिलसिले में आपसे मिलने आया। अरे तो मुझे बुला लिया होता, मैं खुद भाग कर आ जाता। इस बारे में तो बैठ के ही बात कर सकते हैं। अरे नहीं रे, वो नहीं पीते हैं, उन्हें आदत नहीं है। तो कुछ जरूरी बात करने आए हैं? हाँ, वो यहाँ के मजदूरों के बारे में। दूसरी कंपनी में काम करने वालों की मजदूरी बढ़ा दी गई है। लेकिन आप अभी तक वही पुरानी मजदूरी ही दे रहे हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। गांव के दूसरे मालिकों के जैसा नहीं हूं, मेरे लोगों की मजदूरी मुझे तय करनी है। अब जिसे आना है वो आ जाए। आपको भी पता है? नहीं पता है। आपके दिए जाने वाले मजदूरी से कुछ नहीं हो सकता। आजकल हर जरूरत की चीजों की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसा है क्या? सुनने में अच्छा है। अगर मेरी ये फैक्ट्री ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे अमेरिका में जाकर जितने पैसे कमा रहे हैं वो काफी है मुझे और मेरी बीवी को जीने के लिए।
बेचारे ये गरीब लोग तकलीफ में हैं ये सोचकर फैक्ट्री चला रहा हूँ, वरना फैक्ट्री कब का बंद कर चुका होता। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। ऐसा है क्या? अगर आप मजदूरों को उचित मजदूरी देंगे तो मेरी तरफ से सारा सपोर्ट रहेगा। ओ, मैं भी नहीं चाहता कि मजदूर स्ट्राइक करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा है क्या? मैं सोच कर बताऊंगा। अच्छी बात है, मगर जल्दी आप बता दीजिएगा। अच्छा, आप नाराज तो नहीं है हमसे? नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी भलाई के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, सही बात, मजदूरों को बढ़ाकर देंगे तो वो खुश रहेंगे। हाँ, आपको भी अधिक लाभ होगा। हाँ? तो हम निकले। ठीक है। इसने जो अभी कहा उस पर ध्यान रखना। एक बार आप बता देंगे करना क्या है तो मैं निकलूं। ओ, दारू की दुकान बंद होने से पहले जाना होगा ना? क्यों रे, जो भी कमाता है सब दारू में लुटा देता है। कितनी बार कहा पत्नी को काम पर भेजो, वो भी नहीं करता। अपनी बीवी बच्चा की दशा देखकर तुझे दया नहीं आती? उन्हें भूखा ही मरने दो मालिक, मेरे साथ आई थी तो खाली हाथ ही आई थी। उससे कहा था मैंने कि आना तो कुछ गहने लेकर आना, गहने के साथ आई होती तो मेरी भी जिंदगी बदल गई होती, लेकिन वो लाई ही नहीं। तो इसलिए तू अपने परिवार पर ध्यान नहीं देता है ना? बच्चों का ख्याल तो कर। हाँ, मैं चलता हूँ। तुझे पीना है तो पी ले। नहीं, बस एक गिलास तो पी ले। नहीं मालिक, ये मुझे पसंद नहीं है। ओ, अच्छा तो मैं चलता हूँ। दास। हाँ? अभी जो आया था वो पार्टी का नेता, और इसे हाँ? दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। मालिक, थोड़ा सा लिटिल लिटिल बना दो मेरे लिए एक पैक। एक पैक। सॉरी सॉरी सॉरी, खुद पी रहा हूँ, मुझे डांट रहा है। बस करो, बाकी पढ़ाई कल कर लेना। सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। माँ पापा आएंगे तो खाना देना होगा ना। माँ। मेरी दोस्त मलर ने मुझे दिया। छुट्टियों में जब दादी के घर गई थी तब उसकी दादी ने उसे ये दिया था। इसे धूप से बचा के रखेंगे तो बच्चे हो जाएंगे इसके। ये सच है क्या माँ? मुझे नहीं पता, देर हो गई है, जाके सो जाओ। मलर के दादा दादी उसे बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं माँ। हम अपने दादा दादी के घर क्यों नहीं जाते हैं माँ? तुम अब सो जाओ बेटा। यहाँ क्यों बैठी हैं? पापा नहीं आए अब तक, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। अभी भी तुम बच्ची हो क्या? मैं तो अभी भी बच्ची हूँ माँ। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ तो माँ भी बन चुकी हैं। सही कहा ना? उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला कर लिया है। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। शादी के पहले हर लड़की यही बात कहती है, और शादी के बाद मायके की तरफ उनका ध्यान भी नहीं रहता। बाप रे, क्या धूप है। क्यों जी, इतनी देर कहाँ लगा दी? बताता हूँ, इतनी जल्दबाजी मत करो, सब उसकी कृपा है।
इसके खातिर एक रिश्ता देख रखा था मैंने, थोड़ी दूर से ही। अब वहीं से लौट कर आ रहा हूं मैं। क्या बात है, अच्छे गुड़ों वाला लड़का है वो। चेन्नई में बड़ी कंपनी में जॉब करता है वो। उसका खानदान भी बहुत अच्छा है। कहने को तिरुपुर वाली चाची के महेश की बेटी के करीबी रिश्तेदार हैं। वो लोग काफी सालों से लड़के को जानते मतलब हैं। अब यहाँ वहाँ पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने अगले हफ्ते उनको अपने घर पे बुलाया है। ये लड़की देखने का रिवाज जो है। आओ, मुझे लगता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से हो जाएगा। उनका दहेज का कोई मांग भी नहीं है। उनको पता है कि हम अपनी बेटी के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। शादी बहुत धूमधाम से करवाएंगे। अच्छा सुनो, वो दूर वाले रिश्तेदार को जरूर बुलाएंगे इस बार, ठीक है ना? पिछली बार तो नहीं आ पाए थे, छोटा सा फंक्शन था। इस बार जरूर बुलाएंगे, ठीक है ना? क्यों रे, अपनी रुक्मणी का रिश्ता तय हो चुका ऐसा सुनने में आया है? शादी होने तक तो तुम्हें खड़े होने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। छोटी उम्र से ही तुम्हारे पिता ने उसकी उंगली थाम ली थी, तो अब सब कुछ तो तुम्हें ही संभालना होगा ना। परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ पूछ सकते हैं। पापा ने जो कहा वो सच है? जाने से पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटी सुनो। आई माँ। सच में बहुत खुश हैं। जैसे भी हो, अपने बराबरी का लड़का है। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। इसके बाद इस घर में किसी की शादी होगी तो तुम्हारे बच्चे की ही होगी ना? हाँ, तब तक पता नहीं हम रहेंगे भी या नहीं। मेरी बेटी का सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। मुझे भी शादी नहीं करनी है माँ। मुझे अभी तुम्हारे साथ इस घर में रहना है। देखो बेटा, सब कुछ अच्छा मिला है। ऐसे पागलों वाली बातें मत करो। नहीं माँ, मैं तो कुछ मत बोलो। देखो तुम्हें मंगल दोष है, इसकी वजह से कितने रिश्ते टूट गए। ये अब भगवान की इच्छा से मिला है, इसके लिए मना मत करो बेटा। लड़की अगर बिन ब्याही घर बैठी रहे तो उसके माँ बाप के लिए परेशानी वाली बात हो जाती है। देखो पापा ने सब तय कर दिया है। हमसे बहस करने की या कुछ और करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। Thank you.
साथ चलोगी? कहाँ? वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर तुम हिम्मत करोगी तो जीवन भर साथ रह सकते हैं। मुझ पर भरोसा है तो, मेरे साथ जीना चाहती हो तो मेरे साथ आ सकती हो। अगर नहीं चलना है तो मैं चला जाता हूं। रुको। किनारा आ गया है। आपको जहां जाना था यही जगह है। रुक्मणी, हम लोग आ गए। जगह बताई थी वो जगह यही पर है। नौकरी की तलाश में आए हो ना? यहाँ आ गए हो तो सारी समस्या मिट जाएगी। ये सब क्या है? अरे रख लो, चाय पी लो, कोई बात नहीं। यहाँ धनपाल नाम का एक आदमी है, सुतखोरी का काम करता है पर अच्छे दिल वाला है। एक बार उससे मिल लो, मुझे लगता है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब क्या कर सकते हैं? लोगों के पास पाप और पुण्य देखने का अच्छा मन होना चाहिए। मैं ये घर आने वाले मास्टर को देने वाला था पर धनपाल जी ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सुनो, किराया टाइम पर मुझे मिल जाना चाहिए। जी, आपको मिल जाएगा। पसंद आया ना? सुविधाएं थोड़ी कम है पर आप जितना है काफी है। हाँ। सुनो, रस्सी कंपनी के मालिक से मिलोगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। इससे अच्छे घर के लिए हमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। जब तक कोई नौकरी नहीं मिल जाती थोड़ी परेशानी होगी। अभी तो हमें घर की चीजें खरीदनी होगी। देखो, तुम सुन रही हो ना? अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तुम्हारे गहने को गिरवी रखना पड़ेगा। लाई हो ना? मैं तो कुछ और लेकर नहीं आई। नहीं लेकर आई? आने की जल्दी में मैं सब भूल गई। अरे इसकी याद में सपने देख रही हो? भूख लगी है, खाना लेकर आओ।
वो नारायण किराया मांगने आए थे। तो दे देना चाहिए था ना। मेरे पास होते तो मैं दे ही देती ना। चलो जाओ यहाँ से। कहूँ तुम्हारे बारे में, तुम ही हो जो ये सब सह रही हो। मैं कर भी क्या सकती हूँ दीदी, कोई नौकरी मिल जाती तो बच्चों की भूख मिटा पाती मैं, मगर ये उस बात के लिए भी राजी नहीं होंगे। वो क्यों ऐसे बदल गया समझ नहीं आ रहा मुझे। लोग कहते हैं बच्चा हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन तुम लोग तो। मेरी बात सुनो, मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं बोली। ये पुराने हैं, मगर तुम इसे घर पर पहन सकती हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसे अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। इस बारे में सोचती हूँ तो दिल में दर्द होता है दीदी। शायद मेरे माँ पापा का श्राप होगा दीदी। बस भी करो सरसा दीदी, भूखी रह के काम करने की जरूरत नहीं है। जा, तुझे तो सिर्फ खाने का ही ख्याल रखता है, रोटी रोटी। ऐसे काम करने वाली नौकरानियां मिली हैं, हमारे मालिक के पुण्य का फल है। अरे, मैं अपने मालिक के लिए ज्यादा काम करती हूँ। तेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मालिक तेरी तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए तू मालिक को नापसंद करती है। देख, उल्टा सीधा कहा तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तू यहाँ वो क्या होता है मैं तुझे सिखाती हूँ। तुमको और कुछ काम नहीं है क्या? मैं और मेरी बेटी मेहनत से पैसे कमाते हैं, वो इसे पसंद नहीं है। आने दो मालिक को, आज मैं उससे बात करती हूँ। इसे तो आज मैं पीट कर ही छोड़ूंगी। चलो बहन। मैं इनका कब से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं ये कहाँ रह गए। अरे देवी, तुम खाना खाने वाली हो क्या? नहीं दास, मैं नहाने को जा रही हूँ। अकेले बैठ के खाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। पहले तुम यहाँ से निकलो, मालिक ने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा होगा ना। मालिक को मैं बहुत पसंद हूँ ना। हा? अभी अभी मैं तुम्हारी मजदूरी बढ़ाने के लिए मालिक से बात करके आया हूँ। कोई बात नहीं, अकेले बैठ के खा लो। खाना बना कर लाई हूँ खासकर तुम्हारे लिए। सुबह से चाय पीकर क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? पेट खराब हो जाएगा तो क्या खाओगे?
खाना नहीं खाओगे? खाना पसंद तो आया ना तुम्हें? पसंद नहीं आया क्या? उसके घर में ऐसा बनाकर देने वाला कौन है? इस गरीब खाने में आकर तू आकर बैठकर खा रहा है। सच में तू बहुत अच्छा लड़का है। तुझे नहीं पता मैं इसके बारे में कितनी चिंता करती हूँ। इसके वजह से मैं पीती हूँ। ऐसे ही पी पी कर मैं मर जाऊंगी तो इसके लिए कौन है? हो गया इसका नाटक शुरू। मैं जरूर कहूंगी ये अपने घर का लड़का है। और कुछ दूं? थोड़ा सा लो। डाल और डाल अच्छे से गला। नहीं नहीं छोड़ दो। एक और ग्लास पियो गया ये ले। नहीं काफी है। इतनी देर को जाना ठीक नहीं है। रास्ते में काफी जाम रहते ना। मैं चलता हूँ। पैसे दे रहा है तो ले ले। ये सब क्या है? खाने के लिए पैसे दे रहे हो क्या? तू क्यों ऐसा कर रही है? वो प्यार से दे रहा है। क्यों ऐसा है ना? घर के दारू के पैसे का बंदोबस्त होगा। तुम जा रहे हो क्या? हटो, मैंने कहा छोड़ो मुझे।
सुनिए जी, घर में कुछ भी नहीं है, बच्चों को कुछ खाने को तो देना होगा। 2 दिन से लीला दीदी से चावल मांग के ला रही हूँ। तो क्या? क्या मतलब? वो तुम्हारे बच्चे हैं ना, भूख से मरने के लिए छोड़ दोगे? मेरे पास अभी कुछ नहीं है। ओ, दारू के लिए पैसे हैं, घर के खर्च के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं है। यहाँ किसी को भी शांति नहीं है। ये लो, पैसा पैसा। ऐसे रहे हो जैसे लगता है सोना तोल रहे हो। पैसे भी तुम गिनकी ही देती हो ना। वो भी बहुत तकलीफ में है, इसलिए कह रही है बेचारी। कौशल्या ने सच कहा, तुम्हारी परेशानी दूर करने में कितनी परेशानियां झेल रहा हूँ पता है। तुम्हारी बीबी को बच्चा पैदा हो गया ना। अरे तुम्हें नहीं पता कि अगले बच्चे होने का भी वक्त हो चुका है। मतलब उसमें परेशानी नहीं होती? वो सब ठीक है। आप लोगों के मिस्त्री की बीवी आई है कि नहीं आज इस तरफ? कैसा सवाल पूछता है, तो दुकान पर क्यों आता है वो? सामान खरीदने, मगर पैसों के बिना उधारी नहीं दूंगा। उधारी नहीं चाहिए। थैली दे इधर। सुन, इसमें कमियां क्यों निकालता है? इसका आदमी से पैसा देगा तब तो ये देगी तुझे। चल चावल दे इसमें। वह कैसे, क्या वो कहीं और पैसे दे रहा है क्या? ऐसे ही तो चल रहा है ना। घर की औरतों को बाहर क्या हो रहा है थोड़ी ना पता होता है। ये ले। हाँ थोड़ा रुक, मैं आ रही हूँ। मैंने ऐसा कहा तो बुरा मत मानना, तुझे देखकर तरस आता है इसलिए कहती हूँ। अगर औरत समझदार ना होना तो उसके रोने की नौबत आती है। मेरी बात समझ गई ना? हाँ। माँ, लगता है इसमें तेल खत्म हो गया है। खत्म हो गया तो रहने दो, अंधेरे में ही रहना होगा। माँ, पापा आ रहे हैं। इसमें मैं क्या करूँ, तुम जाके पढ़ाई करो। ये माँ को क्या हो गया है? क्या हुआ इसे, मर गई क्या? मर जाती तो अच्छा होता। क्या? आज कहीं और खाना नहीं मिला क्या? और कहाँ, तेरे बाप के घर से? ये नहीं समझना कि मुझे कुछ नहीं पता। क्या पता है तुझे? तुम्हारा क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरे होते हुए दूसरी लड़की, छी, ये मुझे मंजूर नहीं। मुझसे सवाल करती है, जान से मार डालूंगा। माँ को मत मारिए पापा। हट जा बेटा, मारने दे मुझे, मार के खत्म कर दे, तभी तो इनके लिए आसान होगा। बोले जा रही
हे भगवान, मैं अभी आफे के बारे में सोच रही थी। इसी को तो मन का संबंध कहते हैं। मैंने कहा था ना, कार्तिक जरूर आएगा। क्या बात है, आज तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? घर पर कोई समस्या हुई क्या? हाँ, क्या हुआ बताओगे कुछ मुझे? जिस तरह से सवाल पूछ रही थी ना, मन कर रहा था मार डालूं उसे। अब उन्हें क्या तकलीफ हो गई? कुछ औरतें बिना कुछ कामकाज किए अपने आप में ही घमंड में रहती हैं। कभी ना कभी उनको मानना बहुत जरूरी होता है। जोर से मारकर आया है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं क्या? कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो तो ऐसा ही कहेगा, मेहनत करके आया है ना। तू जा ना, खाना निकाल के रख। क्या लाऊं? जा। गला भिगाने वाली कोई चीज है क्या तेरे पास? ओ, रात के वक्त तो पिए बगैर मानेगी नहीं क्या? मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो सब बातें छोड़ो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। वो अमीर घराने की है, खूबसूरत है, शायद इसका अभी उसे आभास हुआ है, इसीलिए ऐसा कह रही है। अब कहीं मत जाओ, यहीं रह जाओ। दर्द हो रहा है क्या माँ? माँ, पापा फिर से मारेंगे क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तुम डरो मत बेटा, तुम लेट जाओ। पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं, अभी आएंगे तो आप कुछ मत कहना। आज के लिए काफी है। कल रात यही सो गए थे क्या? हाँ, चलने दो चलने दो। अरे, चली गए क्या? कार्तिक बेटा, चवन्नी हो तो मुझे दो ना, बीड़ी ना फूको तो मुझे अजीब सा लगता है। हाँ, हर किसी का नसीब अच्छा होना चाहिए। आ, ऐसे जल जल के मरेगी औरत। देख तू, इसकी बात को नजरअंदाज कर दे। इसके पास अब हमारे मालिक का पैसा है, संभल कर चलेगी ना तो आगे की जिंदगी बिना तकलीफ के जिएगी। क्यों कनका, तुम अब तक स्कूल क्यों नहीं गई? तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए इसके बाद जाऊंगी माँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। देखो, ऐसे बहाने करके अगर तुम स्कूल नहीं गई ना तो पिटाई करूंगी। चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। कनगा,
मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो, वरना तुम्हारी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। मेरे और अपनी छोटी बहन के लिए तुम्हें सहारा बनना है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है तुम्हें। कनगा की माँ? कनगा कहाँ है, आज नहीं आ रही है? हाँ वो तैयार हो रही है। कनगा की माँ, इस साल की स्कॉलरशिप में उसका भी नाम है। परीक्षा देने वाले बच्चों में से मुझे सिर्फ कनगा पर भी विश्वास है। स्कॉलरशिप मिल जाए तो ऊपर की पढ़ाई के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। वो तैयार हो गई है क्या? कनगा, कनगा आप चलिए, वो आ जाएगी। ठीक है चलो। टीचर चली गई क्या माँ? हाँ चली गई, तुम भी जल्दी जाओ। माँ खाना लगा दो। मैं चलती हूँ। और खाना? मुझे नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। एक हाफ पार्सल करवा दो। क्या कार्तिक, तुम्हारी बीबी भी पीने लगी क्या? ए, ये मदद करता है, उसके बदले वो भी मदद करती है, बस। हमने भी सुना है, वो किसी को भी कुछ दे, तुझे क्या? कौवा खाए ये मुर्गी को पसंद नहीं, ये दास के नसीब में नहीं है। ए, अब तो खाना ही नहीं रहना भी शुरू कर दिया है। भाई बड़ी किस्मत चाहिए इसके लिए। काफी देर से देख रहा हूँ, एक लगाऊंगा ना तो सीधे मर जाएगा तू। तेरी तो हटो, हट हट। मेरी मर्जी जैसे जीऊं, तुझे पसंद नहीं है तो अपनी आंखें बंद कर ले। हो सके तो मार के देख ले, इसके लिए किस्मत चाहिए। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ हम नहीं गए, और कोई ऐसा पूजा नहीं है जो हमने ना किया हो। सब ठीक हो जाएगा, आप दोनों का औलाद का दुख ज्यादा दिन नहीं रहेगा। खर्च किए हुए पैसों का बस फल मिल जाए हमें। हे भगवान शांति देना। जय हो, जय आशीर्वाद। जय भगवान। गांव वाले अब हमारे बारे में बातें करने लगे हैं। तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता है। मगर मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, अगर मेरे बारे में कोई गलत कहे तो मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? आपके घर में भी तो समस्या चल रही है ना, तो इस तरह से हम दोनों साथ में जिंदगी कैसे जी सकते हैं? हाँ मुझे अब क्या करना होगा? मैं कोई बात कहूं तो तुम मानोगे? थोड़े पैसों की जरूरत है। महीने के आखिरी में ही मजदूरी मिलती है ना, उसमें तो काफी दिन बाकी हैं। पगार नहीं तो क्या कर्जा?
पहले ही से बहुत ज्यादा है, पहले उसे खत्म करो। आपके पास काम करता हूँ, इतना भी नहीं कर सकते क्या? इतने दिन जो काम किए और कर्जा लिए उसी का हिसाब है ये, कुछ मेल नहीं खाता। अब तक हर काम में आपके साथ था मैं, अब मैं पराया जैसा हो गया। मैंने भी सभी को भरोसे पे ही रखा है, मगर उसमें भी धोखा देने वाले हैं, अभी समझ में आया। इसका मतलब मुझे भरोसा नहीं करते आप? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, तुमने मुझसे पैसे मांगे, मैंने कहा पहले का हिसाब पूरा करो, बस इतना ही कहा ना। मालिक इसको बुरा लगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसे पैसे की जरूरत है तो फिर से आएगा, उसके बाद मैं कुछ और काम करवा लूंगा। मालिक के दिमाग का क्या कहना। समझ गया। आपके नजदीकी अपने गीता टॉकीज में कल से शो की शुरुआत हो रही है। फिल्म का नाम है काला पानी, अपने मोहनलाल और तप्पू पर दर्शाया गया है, कल ही शुरू होने वाली है, देखना ना भूलें। इसके संगीतकार हैं मेलोडी किंग इलैयाराजा जी, कोई भी देखना ना भूले। मोहनलाल और तप्पू के लड़ाई का सीन बहुत अच्छी तरह से फिल्माया गया है, रोजाना 300 चलेगा, आप लोग इसे जरूर देखिए। इसमें तप्पू भी है, जल्दी चलो वरना आखिरी नाव भी छूट जाएगी। सुपरस्टार चलो मोहनलाल जी, आओ जल्दी चलो। बस करो माँ। माँ ऐसे भाग के क्यों आ रही हो तुम? माँ पापा एक दीदी के साथ जा रहे थे। दीदी के साथ? हाँ माँ, पापा की कंपनी में वो दीदी काम करती है उन्हीं के साथ। छोटी बच्ची ऐसी बात करेगी तो खूब पिटाई होगी। कसम से माँ, मैंने खुद देखा, उनके हाथों में पेटी थैली सब थी। पापा ने मुझे देखा, बार बार मुड़कर देख भी रहे थे। कैसे उस लड़की और बच्चों को छोड़कर जाने का दिल किया होगा? मुझे तो उससे यही उम्मीद थी। इसे उसके बारे में पहले से ही पता था, उसने पूछा भी था, मगर बदले में उस लड़की की पिटाई कर दी। उसकी जिम्मेदारी खुद ही है, पाल पोस के बड़ा करने वाले माँ बाप और रिश्तेदारों को भूलकर कल के लड़के पे भरोसा करके भागना ठीक होता है क्या? वो भी एक झूठी उम्मीद के सहारे। अच्छा तो क्या प्यार करने वाले कभी जीते ही नहीं? इतने लोग इच्छा पूरी होते ही बिछड़ जाते हैं, और बहुत लोग झगड़े के साथ जिंदगी जीते हैं, और कई लोग रुक्मणी की तरह दुख मुसीबत झेलते रहते हैं, जिन्हें कोई मदद करने वाला भी नहीं होता है, नरक की जिंदगी जीते हैं। हे भगवान, उस लड़की को कुछ ना हो। मैंने भी यही सोचा है कि बेचारी की दो बेटियां हैं, बेचारी और छोटी वाली, वो तो गूंगी है। मुझे तो फिक्र हो रही है कि इन दोनों के साथ वो कैसे जिएगी। हाँ, कई लोग होते हैं कि दर्द के सहारे जीना सीख लेते हैं। Thank you.
टीचर आ गई, मैं चलती हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? तुम्हारा पति तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखा दे गया। उस औरत को भगाते वक्त मेरा पैसा भी ले गया। उसे छोड़ूंगा नहीं, वो कहीं भी गया हो 3 दिन में उठा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। वो गया अच्छी बात है, तुम चाहो तो अच्छी जिंदगी जी सकती हो। हाँ, तुम इतना चिंता क्यों करती हो, वो मर तो नहीं गया ना? अगर ऐसा हुआ भी हो तो तुम परेशान क्यों होती हो, हम लोग है ना भाई। मेरा मतलब आप है। हाँ, मुझे इस बच्चे के बारे में बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, आता रहूंगा मैं। एक बड़ी रकम लेकर तुम्हारा पति भाग गया, मालिक ने कभी तुम पे गुस्सा किया क्या? उनकी यही खूबी है, वो बहुत अच्छे इंसान है, है ना? दास, चलो। हाँ, आया मालिक। किस चीज को घूर रही हो? पहचाना नहीं? मैं इस घर का मालिक हूँ नारायण। क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछ रही हो, मैंने तुम्हें घर किराए पे दे दिया तो मैं नहीं आ सकता क्या? वो पति तुम्हारे सही टाइम पे किराया नहीं देते थे, उसे पूछने जाओ तो मारता था। अब तुम्हारी हालत खराब है, ऐसे में क्या करूँ, तू ही बता दे कुछ। किराया नहीं दिया तो मकान खाली करना पड़ेगा, आखिर वही तो होगा। बच्ची को लेकर कहां कहां भटकोगी तुम? मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं, नहीं नहीं, मगर मुझे किराया चाहिए। वो तुम पैसे ही दोगी ये जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? ओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, किराया का मामला मैं एडजस्ट कर लूंगा, तुम्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? क्या मैं आता जाता रहूंगा? निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, तुम्हारा किराया तुम तक पहुँच जाएगा। अगर तुम इस घर के अंदर आए ना तो दोनों टांगे काट के रख दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। मैं तुझे बाद में देख लूंगा। क्या हुआ, क्या हुआ माँ? माँ कहो ना क्या हुआ? हाँ बैठो बैठो, काम धाम सब ठीक चल रहा है ना? समस्या तो नहीं है? समस्या हो भी जाए तो आप है ना संभालने के लिए। आपके दखल देने से मालिक ने मजदूरी थोड़ी ना बढ़ा दी मेरी। सही कहा, आपके सामने मालिक भी हार गए। ऐसी बात नहीं, एक दूसरे के सहयोग बनेंगे तो ठीक ही होगा। हाँ।
अरे वो दास। हाँ मालिक। ये नेता यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई समस्या खड़ी तो करने नहीं आया? मजदूरों से उसे अधिक बात ना करने दो, उसे बुलाओ यहाँ। बुलाता हूँ मालिक। व्यापार को केवल अपने इलाके तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसके दायरे को बढ़ाना चाहिए। हमारी रस्सी की क्वालिटी विदेशों को भी तो पता चले। कुछ भी हो, मजदूरों को लाभ मिलना चाहिए। ये थोड़ी समस्या वाली बात हुई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगा आपके लिए। आपने मेरी बात मानकर मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी, उसी का बदला समझ लीजिए आप। हाँ, समस्या कोई खड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं होगी। विदेशी कंपनी यहाँ आकर माल देखेंगे, उन्हें ठीक लगा तो सब कुछ ठीक है, मैं इसकी पूरी व्यवस्था कर दूंगा। हाँ, जब आपने कह दिया तो सब ठीक ही होगा। क्या वरे माली, देखो कौन आया है। हाँ, मैं खुद ही आपसे मिलने के लिए आता हूँ। हाँ ठीक, फिर आराम से चर्चा करेंगे ना। क्या हुआ? बाहर खड़ी। सुनिए मालिक, देखो कौन आई है। हाँ, अंदर आओ, आओ ना। क्यों, सब कैसा चल रहा है? तुम्हारे पति की कोई खबर आई कि नहीं? मैं भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, सही है ना? कभी ना कभी तो वो पकड़ा ही जाएगा। क्या तुम ऐसे ही आए हो या मालिक की कोई मदद की जरूरत है? मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? अरे तुम्हारे लायक तो यहाँ कोई काम नहीं है। क्यों दास? हाँ? इसे कौन से काम पे लगा सकते हैं हम? यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, वो भी बिना काम जाने काम करना तो और भी मुश्किल है। लेकिन इसे कैसे कह दे कि काम नहीं है? तो मैं काम करूँ? हाँ? इसे सभी जगह दिखा दो, इसे जो काम पसंद आए वही काम करने दो। ले जाओ। चल। कार्तिक के जाने के बाद उसका सारा काम मैं ही संभालता हूँ। उस पर भरोसा करने का मालिक को बहुत अच्छी सीख मिली है। दीदी वहाँ देखो कौन आ रहा है। कार्तिक की बीवी आ रही है। ए जल्दी से डाल दे, धूप आने से पहले डाल देना। सबको पता है अगर मेरी बात नहीं माने तो उनकी नौकरी चले जाएगी। आप चलो मेरे साथ। ये ठीक नहीं है, इसीलिए से कार्तिक छोड़ के चला गया। हाँ हाँ। यहाँ आकर अधिकार जमाना चाहती हाँ, है। यही बात अब है। उसे दोष देकर क्या फायदा, दूसरे के किए कराए पर अपने बाल बच्चों को लेकर रास्ते पर आ गई। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? तुम्हें ही, मेरी बेटी किसी को फंसाती नहीं है। ओहो। अगर घर की औरत ठीक हो तो मर्द कहीं बाहर नहीं जाता। अब ये तो औरत को ही समझना पड़ेगा ना। इसके बुरे बर्ताव की वजह से आज मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। भगवान मैं क्या करूँगी अब? ये औरत ना कभी खुश नहीं रहेगी। जो भी करना था कर दिया, अब इस लड़की को दोष दे रही है। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है क्या? जल्दी से काम करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। इससे मुझे बात नहीं करनी। तुम्हारी मदद के लिए मैं हूँ ना, तुम अपना सारा टेंशन मुझ पे छोड़ दो। जो भी करना था कर दिया, अब इस लड़की को दोष दे रही है। हाँ वरना दास इतना ख्याल नहीं रखता इसकी। ऐसे कितनों को हमने देखा होगा। सिर्फ बातें करना छोड़कर काम करो। सब यहाँ दूध के धुले हुए आए बड़े। कुछ समझ में आया क्या? आओ मैं दिखाता हूँ। हटो हटो वहाँ से हटो। मैं सिखा दूंगी मिस्त्री। पहले अपना काम करो, बहुत आई सिखाने वाली। यहाँ आओ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। दीदी तुम जाओ वहाँ, तुम यहाँ आओ। हाँ जल्दी काम सीख लो वरना टिक नहीं पाओगी यहाँ। अधिक हो गए मूलधन और ब्याज मिलाकर। एंथोनी ठीक नहीं है, सारे लोग यही कहते हैं, पर मेरे पास उसकी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो तुम जानती हो। और कुछ नहीं है क्या? जब देखो यही डोसा। ठीक है चटनी डालो। हम एंथोनी अगर मार्केट आया ना, वहीं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। आपको ये पैसे ब्याज इन्हीं की चिंता रहती है। तुम तो बस इतना ही जानती हो,
मुसीबत मुझे झेलनी पड़ती है। इतने पैसे हैं, हर कोई मुझे फंसा कर चला जाता है। थोड़ा बहुत दान धर्म के लिए भी रख लिया करो। अच्छी बात है। अरे तुम लोग कब आए? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मुझे इनके मालिक की कंपनी में नौकरी मिल गई है दीदी। इन बच्चों को छोड़कर कैसे काम करोगी? जीना छोड़ दे क्या दीदी, बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकती ना। अब मुझे इनकी चिंता ज्यादा है, मैं इन्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकती। इन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे आने तक ये लोग यहीं रहेंगे मेरी साथी बनकर। हाँ अच्छी बच्ची बनके रहना। हाँ दीदी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अंदर। रुक्मिणी जल्दी आ जाओ, मालिक को पता चला तो चिल्लाएंगे। नहीं नहीं वो इनको कुछ नहीं बोलेंगे। वो भी ठीक कहा तुमने। सुनो रुक्मणी, मालिक तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, जल्दी जाओ वरना गुस्सा करेंगे तुम पर। हाँ जाओ जाओ, ज्यादा इंतजार मत कराना। यहाँ आए हुए दो ही दिन हुए हैं और मालिक ने बुलवा भी लिया। मालिक ऐसे नहीं बुलाते, कुछ न कुछ कारण होगा। अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। काम जरा मुश्किल है ना? कोई बात नहीं। बड़े घर की बेटी होने का क्या फायदा, यहाँ आकर मुसीबत झेलने का नसीब कौन बदल सकता है। तुम कार्तिक के साथ भाग आई तो कुछ रुपये गहने के साथ आओगी, यही सोचकर आया था वो। बंदर के हाथ लगी फूलों की माला सी हो गई हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है, कोई भी छोटे मोटे काम कर लो काफी है। इसकी वजह से मजदूरी कम नहीं करूंगा, मैं ही कह रहा हूँ ना। मैं चलती जल्दी हूं। क्या है, किस चीज की जल्दीबाजी, तनख्वाह मिलने में सप्ताह आखिर हो जाएगा। ये लो ये रख लो, तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? नहीं मालिक। देखो रख लो, मैं ही दे रहा हूँ ना। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी नजर तुम पर है। जरा तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना सकता हूँ। दया करके मुझे परेशान मत करिए, नौकरी करके मैं अपने परिवार को पालना चाहती हूँ। ए, रुको जरा। मालिक मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। रहने दो जाने दो, देखता हूँ कितने दिन आपसे भागती रहती है, भाग के आएगी तो आपके पास ही ना। अरे अरे क्या हो गया? अरे अरे इसे क्या हुआ? अरे अरे रुक्मिणी, अरे कोई पानी लेके आओ। रुक्मिणी क्या हो गया इस अचानक से? अरे चक्कर आ गया इसे। रुक्मिणी 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 तुम क्यों काम कर रही हो, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ, कुछ अच्छी खबर है क्या? बस अचानक चक्कर आ गया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, अस्पताल जाना है तो मालिक से बता दो। तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? ये कुछ और बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही खबर है, जाने वाला इंसान कोख भर गया है। ओ तो ये बात है, इसलिए चक्कर आ गया था, इसे देखते ही मुझे लगा।
पति के साथ कोई भी बात होने दो, लेकिन इस मामले में कोई तकरार नहीं है। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, तुम लोग जाके अपना काम करो। हाँ चलो चलो, हाँ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ मालिक। ये सब भगवान का दिया हुआ है और ये भी उन्हीं की देन है। फिर भी तुम इन दोनों को संभालने में इतनी तकलीफ झेलती हो, ऊपर से एक और बच्चा हुआ तो, और अगर वो भी लड़की हुई तो? नहीं दीदी, इस बार पक्का लड़का ही होगा, उसी के सहारे मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, मुझे यकीन है। और थोड़े दिन गुजर गए तो नौकरी पर कैसे जा पाओगी? ऐसी स्थिति में क्या तुम कंपनी में जा पाओगी? कितनी भी मुश्किलें आ जाए मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी। तो फिर ठीक है, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, तुम्हें पता भी है क्या? हाँ? दिया जलाने का वक्त हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। हमारे सोचे मुताबिक सब सही चल रहा था, पर वो अचानक से गर्भवती हो गई मालिक। ए, जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो? इधर आओ। उसे पहली बार देखा था तब मुझे उस पर आशा जगी थी, वो मुझे बेहद पसंद है। अपनी पसंद को साइड रखो, अभी अब बताओ इरादा क्या है करने का? अरे इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दी आ जाओ, सोने के लिए जाना है। आ रहा हूँ। थोड़ा और डाल। मालिक अब काफी है, जल्दी जाओ। अरे ये अंडा तू खा ले। हाँ मेरे लिए यही रह गया है, ऐसे वक्त में कुछ मिल गया तो ठीक है। इस बुढ़ापे में ये आदमी क्या करने वाला है? मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसे ही समस्या आने वाली है। तुम्हारी कोख में ये बच्चा देकर उस औरत के साथ भाग गया और तुम यहाँ तकलीफ झेल रही हो। ये तुम्हारा तीसरा बच्चा है ना? पैदा करना काफी है, उससे बड़ा नहीं करना है क्या? इतना ही नहीं तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर इस परेशानी से मुक्ति चाहती हो तो जो तुझे छोड़ गया उसके बच्चे को पैदा करने की क्या जरूरत है तुझे? ठीक कहा ना? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी समस्या सारी समाप्त हो जाएगी। जो तुम्हारी जरूरत है मैं पूरा करूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मुझे इस दुनिया की कोई भी चीज दे दो पर मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। दास, मुझे नहीं लगता कि ये अपने रास्ते पे आएगी। तो क्या करें मालिक? तुम इस कंपनी को डुबाना चाहती हो क्या? तुम बेचारी हो इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने इस कंपनी में नौकरी दिलवाई। तो इसमें क्या हुआ? तो क्या हुआ मिस्त्री, वो ठीक से काम तो करती है ना? इसका फैसला करने वाली तुमको? ये कैसा काम किया है? यहाँ पे तैयार होने वाली रस्सियों का एक गुण और एक नाम है, ऐसा करोगी तो नाम खराब हो जाएगा, मालिक को पता चलेगा तो बस। जितना किया वो काफी है, पहले वाला जाके काम करो आप। क्यों नहीं समझते जो मैंने कहा? तुम्हारा काम बाहर है, थोड़ा धूप और हवा लगेगी तो तन को अच्छा ही होगा। चलो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो। मैंने काम पे लगाया, मुझे ही काम पे लगा दिया, कैसी औरत है। सुनो सब,
इस लड़की को ये काम अच्छे से सिखा देना, समझे? क्यों दास, मालिक का यकीन इस लड़की से उठ चुका है क्या? ए, ये सब पूछने वाले तुम कौन है? ए, जाके काम करो। क्या हुआ, उल्टी होने वाली है क्या? कोई बात नहीं है, इस वक्त में ऐसा ही होता है। अरे दूर हटो, तुम हटो। शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। नहीं थी तब मालिक कितना ख्याल रखते थे, अब देखो। हाँ, जरा सी मुश्किल ही होगी। ओ, राजकुमारी जी कीचड़ में आ गई। अरे संभल के कहीं हाथ पे मोच ना आ जाए। नाजुक पंचोड़ बराबर से पीट। We'll be right back.
मालिक विदेशी लोग आए हैं, नेताजी ने जैसा कहा वैसा कर दिया। आएंगे तो कहा था पर इतनी जल्दी आ जाएंगे मुझे नहीं पता था। This is Dikambaram. Honor. Nice to meet you. Nice to meet you. एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अगर सब इन्हें पसंद आ गया तो रस्सी की अच्छी कीमत मिल सकती है इनसे। इन्हें हिंदी आती है? जरा भी नहीं समझते। ठीक है चलो। वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, हाउ कैन यू ड्राइव, कैन यू? आई थिंक ही कांट स्पीक इन इंग्लिश, कम जस्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ऑलराइट। रस्सी कैसे बनती है मैं इन्हें कैसे समझा सकता हूँ? मुश्किल है, आप वो सब मत सोचो, पहले इन्हें देखने दो। Is this raw material? I don't know. Ask him. Mr. E.P. King, what is the use of these things? ये नारियल के छिलके हैं, कैसे कहूँ इनसे? वो बात ये है कि this is नारियल का छिलका, इसमें से फाइबर निकालकर रस्सी बनाते हैं। Yes, madam. This is the raw material for coir. This is the first step for making fiber. पूरी बात बता दो ना। Can you explain the procedure? The fiber is derived from this coconut shell. It is very strong and natural. Oh. तुम और अच्छी तरह से समझाओ इन्हें। कम विथ मी सर। ओके श्योर। चलो चलो चलो। इनके पास इतनी प्रतिभा है, ये फटफट फटफट अंग्रेजी बोलने लगती है। आइए मालिक, नहीं तो वो लोग उसको मालिक समझेंगे। आइए चलो। दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द कोयर। ये सब ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पे, हाँ नहीं पता चलता है ना। We will try connecting to you. हमें ऑर्डर मिल सके ऐसा वो कंपनी से बात करेंगे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्बा विमल मति दे, अम्बा विमल मति दे। बच्चों आज हमें बड़ा गर्व होना चाहिए, एलपी स्कीम में स्कॉलरशिप परीक्षा में अपने राज्य में पहला अंक पाने वाली हमारी पाठशाला है। इस पाठशाला को अपने राज्य में गर्व दिलाने वाली कनागा को हम सबको उसकी सराहना करनी चाहिए। अरे राजा बेटा रोना मत, ओहो चुप हो जाओ, बैठ जाओ यहाँ। ये देखो, ये लो बजाओ इसे, देखो हाँ पकड़ो इसे। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ सोना बेटा। अरे मेरा बेटा, ओहो हो, ये देखो क्या है, ला बेटा जा। हाँ ये देखो, ये लो बजाओ इसे, ये देखो, हाँ लो 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 लो। ओ मेरा बेटा सोना बेटा, ओहो अले ले ले बेटा, भूख लगी है। अरे आज तुम जल्दी आ गई, जल्दी ये लो, शाम हो चुकी है, बहुत रो रहा है बेचारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अरे तुम्हारे आते ही मुझे चिंता होने लगती है कि मुझे अब इसे जुदा होना पड़ेगा। जैसे ही तुम आती हो ये हमसे दूर हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम थोड़ा लेट आया करो। आप लोग हैं इसलिए मैं शांति से काम कर पाती हूँ। माँ नहीं थी तो रो रहा था मेरा बेटा, आज पता नहीं क्या हुआ लगातार रो रहा है। कहीं बुखार तो नहीं? मुझे ऐसा शक हुआ। बच्चे के चेहरे का रंग बदल जाता है तो दिल बैठ जाता है। ना बाबा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसे। मैं जल्दी हूँ दीदी, कनगा स्कूल से आ गई होगी, भूखी होगी, जाकर हाँ। खाना बनाना है। जाओ बेटा। आ जाओ बेटा। माँ माँ बेटा संभल के। Thank you.
सिस्टर जल्दी कुछ करिए, वो मेरी बेटी। सिस्टर जल्दी डॉक्टर बुलाइए ना। आपके रोने से कोई फायदा नहीं, डॉक्टर घर गए हैं, आने दीजिए। ऐसा मत कहिए सिस्टर, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। बिना डॉक्टर के हम क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे खड़े होके रोने से कोई फायदा नहीं। अगर बच्चे को बचाना चाहती हो तो बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। देर ना करते हुए कम से कम वो तो करो, बच्चे का खून लगातार बह रहा है। मैं देखता हूँ। बच्चे के माँ बाप कौन हैं? क्या हुआ? कोई पुरुष नहीं आए हैं क्या? कोई और नहीं है। पेपर पे साइन करनी होगी और फिर ऑपरेशन के पैसे भरने होंगे। पैसे? 2000 रुपए काउंटर में भर दो। जल्दी भर दो, पैसे भरने से ऑपरेशन तुरंत। पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो। डॉक्टर मेरी बेटी को बचा लीजिए, ऑपरेशन के लिए पैसे मैं किसी तरह इकट्ठा कर लूंगी। डॉक्टर पहले पैसे काउंटर पे जमा कर दो, तभी सर्जरी होगा। ऐसे मत कहिए डॉक्टर, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? देखिए ये हॉस्पिटल का नियम है, आपके लिए मैं ये नियम चेंज नहीं कर सकता। आपको कुछ भी करके पैसे जमा करने पड़ेंगे। ये लो यहाँ पर दस्तखत कर दो। भैया मुझे फोन करना है, बहुत जरूरी है, जरूरी बात करनी है। खा लो इसे। मैं देखता हूं। हेलो। हेलो पापा, मैं रुक्मणी बोल रही हूँ पापा। हेलो पापा, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो हेलो पापा, देखो ज्यादा टाइम मत लो, बात जल्दी खत्म करो। जरा गेट खोलिए, मुझे मालिक से मिलना है। मालिक से इस टाइम नहीं मिल सकती, तुम सुबह आके मिल लेना। मेहरबानी करके गेट खोल दीजिए ना। नहीं खोल सकता मैं। ए दास। हाँ? वहाँ क्या शोर हो रहा है? औरत इस वक्त चिल्ला रही है। कौन है वो? रुक्मणी, रुक्मणी। ए, अंदर आने दो इसे। ठीक है अंदर आओ, मालिक ने खुद बुला लिया। क्यों इस वक्त? मालिक मेरी बेटी अस्पताल में है, ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। मालिक मेरी सहायता करिए। तुम्हारी बेटी गाड़ी से टकराई सुना था, चोट उसे ज्यादा लगी है ये भी मैंने सुना था। बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने कहा, मेरी बेटी को बचा लीजिए मालिक। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, कहने के लिए मैं मालिक हूँ,
मगर कितनी मुश्किल में हूँ ये मुझे और मेरे भगवान को ही खबर है। मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं जिंदगी भर आपकी कंपनी में काम करती रहूंगी। तुम कुछ भी कह लो, मेरे हाथ में पैसे होंगे तो दे पाऊंगा ना, तुम कहीं और देख लो। मालिक मुझे बेसहारा मत छोड़िए, आप चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। इस हालत में तुम्हें क्या कर सकता हूँ, तुम पर मेरी नजर थी ये सही है, लेकिन तुमने उस दिन इतनी नफरत क्यों दिखाई? आई बड़ी पतिव्रता, अब तो तुम्हें देख के नफरत हो रही है मुझे। तुम यहाँ से निकलो वरना कुछ हो जाएगा तुम्हारी बेटी को। मालिक, ए, पैर छोड़ो, ये क्या मुसीबत है, ए, 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 इसे उठाकर बाहर फेंकाओ। आओ, आओ, धक्के मारकर गेट बंद कर लेना। लीला दीदी कौन है इस वक्त? ओ तुम, क्या हुआ? रुक्मिणी, क्या हुआ? अब कैसा है ये, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो दीदी, वो मेरी बेटी को बचा लीजिए। ए, क्या हुआ बताओ ना मुझे। मेरी बेटी का ऑपरेशन करना है, वरना मेरी बेटी। इतनी सीरियस है वो? पैसे के बिना ऑपरेशन नहीं करेंगे। सरकारी अस्पताल में पैसे क्यों देना? सरकारी अस्पताल वालों ने भर्ती नहीं लिया, अब वो वर्गीस अस्पताल में है। दीदी ऑपरेशन के लिए 2000 भरने होंगे, डॉक्टर ने कहा। अब आप ही लोग मेरी मदद कर सकते हैं, आपके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। इतनी बड़ी रकम? ऐसा मत कहिए, मेरा कोई नहीं है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। दीदी मुझे बेसहारा मत छोड़ो, मेरी मदद करो दीदी। मैं कहूँ तो भी वो नहीं मानेंगे, अभी वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं किसी तरह तुम्हारा कर्जा उतार दूंगी, ब्याज जितना भी होगा दे दूंगी, पैसा देकर मेरी मदद करिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर कहो दीदी मुझे क्या करना होगा? तुम अपना बेटा मुझे दे दो। हमें तो आगे बच्चा होने वाला भी नहीं है, इसकी परवरिश मैं अपने बच्चे की तरह करूंगी, इसीलिए इसे हमें दे दो। ए, लीला ये क्या कर रही हो तुम? बिना किसी परेशानी के क्या तुम इसे पाल सकते हो? ऐसा मत कहो दीदी, ये मेरा बच्चा, अगर इसके भविष्य की चिंता है तो इसे मुझे दे दो। मेरा कहा मानो रुक्मिणी, वो पैसे ले लो, नहीं तो उस पैसे का कोई मोल नहीं रह जाएगा। इन पैसों को रखो और जल्दी जाके बच्ची को बचाओ, जल्दी जाओ। जाओ जाओ। और एक बात, अब इस पर हक जताकर इस घर की तरफ कभी मत आना, कभी मत आना। गई थी, वो तुम्हारी बेटी है ना, जिम्मेदारी जरा भी नहीं है तुम्हें। पैसे लेने गई थी सिस्टर। अब इन पैसों का क्या होगा, कोई फायदा नहीं इन पैसों का, बच्चा मर गया।
कनगा 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 हाँ, यहाँ रोना मना है। चलो बाहर चलो, तुमसे कह रहा हूँ। जल्दी चलो, जल्दी करो, कह रहा हूँ ना, जाओ। बच्चे की बॉडी को यहाँ नहीं रख सकते, घर ले जाने की तैयारी करो। की बॉडी को यहां नहीं रखा जा सकता, इसे घर ले जाने की तैयारी करो बहन। अपनी बच्ची को लेकर मैं कहां जाऊं भैया? मेरी बच्ची के लिए एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं है। हमारा कोई नहीं है, हम क्या म्युनिसिपैलिटी को खबर कर दे क्या? हाँ, ये सब क्यों? ऐसी डेड बॉडी रोज नहीं मिलती है। उस बच्चे की डेड बॉडी को यहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, उससे मिलने वाले पैसों से उनकी मदद हो जाएगी। वो औरत पहले से ही बहुत लाचार है। भाग और क्या कर सकती है बेचारी, उसे समझाओ। अगर वो राजी हो जाती है तो उससे बोलना कि वो चिंता ना करे, हम सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है? बादल जो छा गए, सपने हुए बुझिल, देखो जरा देखो, साहिल न मिल सके, अरे प्यास बुझेगी क्या, दरिया से खो गए वो रास्ते, लेकिन मिल न सकी मंजिल, बेसहारा बनकर मैं जो खड़ी गम की चादर ओढ़े, बिखरी आशा टूटे सपने हैं, कड़ी धूप ये सह सके ना जिसे, बरसे आंसू कभी आह भी निकले दिल से, चुभती है नजरें सबकी कटार सी, क्या बताऊं राहों में चली हूँ कैसे, चलते चलते थक गई, मैंने खाई ठोकर पत्थर रेत राह में, मेरी किस्मत ले आई अपने अरमानों को लेके तन्हा रही, मेरा कौन है यहाँ जिसे अपना मैं बोलूं, बोलो किसे अपना मैं, बोलूंगी मैं दिल से अब।